हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ बथुआ दाल रेसिपी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की रेसिपी है बथुआ दाल, जो कि बहुत ही पौष्टिक हेल्दी होता है। तो इसे आप रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल बथुआ बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। बथुआ, तेजपत्ता, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, जीरा, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और दाल। अब हमने एक कुकर को ले लिया है और कुकर में अब हम दाल को डाल देंगे। दाल को हम धो के डाल रहे हैं और हमने यहाँ पे मिक्स दाल यूज किया है, तो अब हम इसमें बथुआ को डाल देते हैं। पानी, हल्दी पाउडर, नमक। पानी को यहाँ पे हम कम ही यूज करेंगे क्योंकि साग में पानी अपने आप ही निकलता है नमक डालने के बाद। तो अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए, दाल हमारा हो चुका है और बथुआ दोनों अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब हमने गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई अब हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें तेल को डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें जीरा को डाल देते हैं और तेजपत्ता, और इन दोनों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। दाल बथुआ बहुत ही पौष्टिक है, इसे खाने से बहुत ही शक्ति एनर्जी मिलती है। दाल बथुआ ठंडी के दिन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। दाल बथुआ बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होता है, इसीलिए इसे जरूरी ही खाना चाहिए। तो अब हमारा जीरा और तेजपत्ता दोनों अच्छी तरीके से भून चुका है, तो अब हम इसमें ग्रेटेड लहसुन को डाल देते हैं। ग्रेटेड लहसुन डालने से क्या होता है कि इसका जो फ्लेवर है लहसुन का, वो दाल में बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो देखिए, ये भी भून चुका है, तो अब हम इसमें हरी मिर्ची को डाल देते हैं। इसे भी हम भून लेंगे। तो देखिए, हरी मिर्ची भी हमारा भून चुका है, तो अब हम इसमें प्याज को डाल देते हैं और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए और हम प्याज को भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम पे ही रखेंगे और इसे भी हम भून लेंगे। तो प्याज का भी हमारा कलर चेंज हो चुका है, प्याज भी हमारा भून चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर को ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें टमाटर को डाल के और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसे भी हम भून लेंगे। टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड कर देते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और नमक को यहाँ पे बिल्कुल कम ही हम यूज किए हैं, क्योंकि हमने दाल उबालने में भी हल्दी पाउडर और नमक का यूज किया है। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी पाउडर दोनों को डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मसाला और टमाटर हमारा, प्याज, सारा कुछ हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो देखिए, सारा कुछ हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। जो दाल हमने पका के रखा था, अब हम उसे इस कढ़ाई में डाल देते हैं और हल्का सा हम इसमें पानी को भी डाल दिए हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए, दाल को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं और दाल में एक उबाल, अच्छी तरीके से उबाल इसमें आना शुरू हो चुका है। तो दाल जो है हमारा, वो पक चुका है, अच्छी तरीके से हो चुका है। इसे हम एक बार मिक्स कर देते हैं, तो इसे थोड़ी देर के लिए और हम पकने देते हैं। देखिए, दाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उबल चुका है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। दाल को हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं, क्योंकि हम इसमें ऊपर से पानी दिए हैं, इसीलिए हम इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं तड़का लगाने के बाद। तो देखिए, दाल हमारा हो चुका है, इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो अगर आपको हमारा बथुआ दाल बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।